आज बंदरों की रानी दो बच्चों को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है, दूसरा बंदर उससे बड़ा और थोड़ा मजबूत होता है। और कमजोर बंदर दुनिया में पहली बार आया था, इसलिए उत्तराधिकारी पहले वो है। और तभी वहाँ एक चुड़ैल बंदर आती है और छोटे बंदर को छुटकारा देने की सलाह सुनाती है। ये अपशगुन है क्योंकि ये प्रकृति की गलती, और बानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और रानी को होश आने से पहले राजा छोटे बच्चे को अपने दूर करने के लिए गोला समेत बानर को सौंप देता है, जो इसका सेवक है। और रानी उसे वचन देती है वो बच्चों का अच्छे से देखभाल करेगा। और रानी की मौत हो जाती है। राजा वानिया को घोषित करता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए बहुत ही ऊपर चला जाता है और भेड़िए के मुंह में फेंकने जाता है, लेकिन भेड़िए के मुंह में ना जाकर वह एक टहनी पे अटक जाता है। भेड़िया वहां से चला जाता है, तभी एक वहां दूसरा बंदर आता है और उसे बचा लेता है और अपने बच्चे की तरह उसका देखभाल करने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर।